ओके स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, आपने तो पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होते हैं। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन हमारा टर्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टर्म है, राइट? तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है आफ्टर पॉलिनेशन होता है। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन के पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, राइट? तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के पहले एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन क्या होता है? द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द एस्टिग्मा। ओके, मीन्स जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एस्टिग्मा पे लैंड करते हैं, तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। लैंडिंग के बाद से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं एस्टिग्मा पे, और जर्मिनेट होने के बाद से वो फीमेल बॉडी यानी कि ओवरी में चले जाते हैं। ओके, और ओवरी पे ही ये फिनोमिना होता है, ओवरी में ये सब फिनोमिना होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, जैसे ह्यूमन बींग में आपने पढ़ा था, राइट? ह्यूमन बींग में जो लाइफ प्रोसेस होता है तो उसमें डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, जैसे ब्लड है वो ट्वाइस टाइम हार्ट से होके पास होता है, तो उसको हम डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे भी डबल फर्टिलाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मेन नाम से ही पता लग रहा है कि डबल यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो ट्वाइस हो रहा है, दो बार हो रहा है फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है कैसे होता है वो स्टेप वाइज डायग्रामेटिकली आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ओके, राइट? हियर डबल मींस ट्वाइस। ओके, ट्वाइस फर्टिलाइजेशन, ट्वाइस फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन को हम एस से भी लिख सकते हैं और जेड से भी लिख सकते हैं, नो वर्ड। ओके, इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, वो जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर, जब पोलन्स इलोंगेट होते हैं तो इलोंगेशन के समय जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और उसका नंबर टू हो जाता है। ओके, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मेल न्यूक्लियाई इन अ पोलन ट्यूब वो क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन को कैरी आउट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर का। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है तो यहाँ पे जेनेटिव न्यूक्लियस होता है, जो जेनेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे ट्यूब में आते आते डबल हो जाते हैं, राइट? और यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल ऐसे मॉडिफिकेशन दिखाई देते हैं और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होते हैं, राइट? तो इसको हम बोलते हैं मेल न्यूक्लियाई और ये होता है ट्यूब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो मेल न्यूक्लियाई है, यहाँ पे देख रहे हैं जो मेल न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो टू है, यानी कि वन मेल न्यूक्लियाई क्या करता है, फ्यूज करता है एक सेल के साथ, और जो वन मेल न्यूक्लियाई है वो दूसरे सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके डबल फर्टिलाइजेशन को कैरी आउट करते हैं। ओके, और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, इसका जो फंक्शन है ट्यूब न्यूक्लियस का वो है कि बस इस ट्यूब को इलोंगेट कर दे टिल ओवरी। ओके, तो यहाँ पे हम ये हो गया पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। देन आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, हाउ डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स ट्वाइस फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर उसको देखना होगा तो हम यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाएंगे जो कि कुछ ऐसे होता है। इसमें दो एंड होते हैं, पहला होता है एंटीपोडल एंड, चैलाजल एंड जिसको बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं जिनका नंबर थ्री होता है, इस एंड को हम बोलते हैं चैलाजल एंड, चैलाजल एंड। और ये जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल, व्हाट, एंटीपोडल सेल्स, राइट? यहाँ पे भी थ्री होते हैं, थ्री सोल्स होते हैं जिसमें इन दोनों को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, ये जो दोनों दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, और ये जो बीच में होता है दैट इज एक सेल, ये जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं एक सेल, ये हो गया हमारा एक सेल। ओके, और ये है सिनर्जिड्स जिनका फंक्शन ट्यूब को जो मेल न्यूक्लियस आता है यहाँ पे दैट इज पोलन ग्रेन, जो पोलन ट्यूब्स होता है उसी को अट्रैक्ट करने में इनका फंक्शन होता है सिनर्जिड्स का,
और यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक पोर होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। व्हाट डू यू से दैट? माइक्रोपाइल। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस माइक्रोपाइल, इस पूरे इंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। व्हाट डू यू से? माइक्रोपाइलर इंड। ओके, माइक्रोपाइलर इंड। तो जैसे ट्यूब, जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ पे आता है, वैसे ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस रीजनरेट हो जाता है और मेल न्यूक्लियाई, वन मेल न्यूक्लियाई यहाँ से फ्यूज करता है और बनाता है जाइगोट, राइट? और यहाँ पे सेंट्रल सेल्स होते हैं, जो सेंट्रल सेल होते हैं इनका टू नंबर होता है, राइट? यानी कि इनका जो नंबर होता है वो दो होता है। तो वन मेल न्यूक्लियाई यहाँ से एक सेल से फ्यूज करता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स और मेल न्यूक्लियाई, द फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस एंड एक सेल, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे, जो मेल न्यूक्लियाई का नंबर है वो टू है, ओके? तो वन मेल न्यूक्लियाई क्या होता है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या होता है, फ्यूज करता है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ओके? तो यहाँ पे क्या है कि वन मेल न्यूक्लियाई यहाँ से फ्यूज करता है, तो जायगोट का फॉर्मेशन करता है, एंड अनदर फ्यूज विद सेंट्रल न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस, दैट फ्यूज एंड फॉर्म एंडोस्पर्म, ओके? और जो सेकेंड टाइम यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन टू द एक सेल एंड सेकेंड टाइम विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके? तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट में, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई, ओके? यहाँ पे क्या होता है, मेल न्यूक्लियाई आता है। तो जो मेल न्यूक्लियाई का नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1n, दैट मींस कि वो हैप्लोइड है, ओके? तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का, वो है फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियाई टू द एग सेल। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में मेल न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है, राइट? ये जो मेल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज कर रहा है किसके साथ, एग सेल के साथ, एग सेल। तो एग सेल का भी जो नंबर है हैप्लोइड है, यहाँ पे हम इसको 1a शो कर सकते हैं, राइट? तो ये जब दोनों मेल निकले और एक सेल फ्यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, जायगोट। जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ओके? तो जायगोट यहाँ पे देखो, मेल निकले क्या है, 1n है, एक सेल 1n, मींस ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जो जायगोट का नंबर होगा 1+1 क्या होगा, 2, यानी कि जो न्यूक्लियर यहाँ पे जायगोट है वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। 1n को हम हैप्लॉयड बोलते हैं और 2n को डिप्लॉयड बोलते हैं। तो यहाँ पे जायगोट क्या होगा, 2n होगा, राइट? तो यहाँ पे ये है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि 1 मेल न्यूक्लियर फ्यूज विद 1 सेल, यानी कि 1 सेल यहाँ पे चला गया, ओके? और जो यहाँ पे 1 मेल न्यूक्लियर रेस्ट है वो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस से आके फ्यूज करेगा, ओके? तो यहाँ पे होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फ्यूज विद मेल न्यूक्लियाई एंड फॉर्म एंडोस्पर्म, गॉट इट? तो हम उसको बोलते हैं ट्राइप्लॉइड। ये हो गया हैप्लॉइड, ये हो गया डिप्लॉइड, और जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द नंबर ऑफ सेल इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज 3 देयर, सो दैट्स व्हाई वी से दैट ट्राइप्लॉइड, ओके? तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं। ये है डबल फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और ये है सेकेंड। तो इस सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, राइट? जो सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विद अनदर मेल न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस फॉर्म, व्हाट इज दैट फॉर्म, इंडो एस्पर्म, ओके? और यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसका नंबर होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2n होता है, मींस द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज 2 और मेल न्यूक्लियस क्या है, 1 है, यानी कि 2 और 1 कितना हुआ, 3n। तो इंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है कितना हुआ, 3n, और इस 3n को बोलते हैं ट्राइप्लॉइड सेल। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मेल न्यूक्लियस किससे फ्यूज कर रहा है, एक सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, यही जायगोट
फर्दर डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद से बनाता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, राइट। मीन्स जब ये जायगोट फर्दर डिवाइड करता है तो सीड का फॉर्मेशन होता है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है दैट इज ओवरी, ओवरी जो होता है वो ओवरी टर्न्स कर जाता है फ्रूट में। सो वी कैन से दैट जो ओव्यूल्स होते हैं, ये जितने भी प्रोसेसेस है वो ओव्यूल के अंदर होते हैं, ओके। और ओव्यूल के बाहर का जो सराउंडिंग होता है वो ओवरी होता है, मीन्स ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। तो ओवरी जो होता है फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद से टर्न्स कर जाता है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है जहां पर ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है वो टर्न कर जाता है सीड में, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लावर का ओवरी पार्ट है वो टर्न्स करता है फ्रूट में, और जो ओव्यूल पार्ट है जहां पे ओव्यूल्स होते हैं दैट टर्न्स इनटू सीड्स, ओके। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट एंड सीड्स का फॉर्मेशन होता है, गॉट इट। फिर उस सीड्स को क्या करते हैं, हम कुछ दिन के लिए प्रिजर्व कर देते हैं, रख देते हैं, ओके, कंजर्व करके, और देन आफ्टर क्या होता है कि फिर से उससे नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो हम सीड्स को भी बोल सकते हैं कि सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट विच फॉर्म अ न्यू प्लांट, ओके। तो इस तरह से होता है डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। इसका एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं, गॉट इट। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में मेल न्यूक्लियाई का एंट्री हो रहा है, ओके, और द नंबर ऑफ मेल न्यूक्लियाई इज 2, राइट। तो फर्स्ट जो मेल न्यूक्लियाई है वह एक सेल के साथ फ्यूज करता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड द नंबर ऑफ जायगोट न्यूक्लियस इज 2। तो जो जायगोट होगा क्या होगा, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, दैट इज डिप्लॉयड। तो यहाँ पे डिप्लॉयड किसको बोलते हैं, जिसके न्यूक्लियस का नंबर 2 होता है उसको डिप्लॉयड बोलते हैं, और जिसके न्यूक्लियस जहां पे न्यूक्लियस का नंबर 1 होता है उसको बोलते हैं हैप्लॉयड, गॉट इट। और यहाँ पे जो सेकेंड है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वहां पे देख रहे थे कि आप एम्ब्रियो सैक में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ओके। तो 2 न्यूक्लियस क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको हम पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करता है जो रेस्ट ऑफ द मेल न्यूक्लियाई, यानी कि जो एक बचा हुआ मेल न्यूक्लियाई है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूज करता है और फॉर्म करता है एम्ब्रियो स्पर्म, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, और देख रहे हैं जो सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया कि जायगोट क्या करता है, आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करता है, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो स्पर्म, क्या ये वेस्ट चला जाता है, क्या इसका कोई फंक्शन है या नहीं, राइट। तो वो हमें देखना होगा। तो ये एम्ब्रियो स्पर्म का जो फंक्शन है ये क्या करता है, नरिशमेंट करते हैं, जो इंटरनल प्रोसेसेस जैसे जायगोट का ग्रो करना, फ्रूट का फॉर्मेशन करना, राइट, सीड को प्रॉपर नरिश करना, ओके, जो अंदर जायगोट का डेवलपमेंट होता है तो वो नरिश होता है एम्ब्रियो स्पर्म। मींस द फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो स्पर्म इज टू नरिश द इंटरनल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, और यू कैन से दैट टू नरिश द जायगोट, ओके। मतलब ये क्या होता है, न्यूट्रिशियस होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जायगोट को। और आप देख रहे थे कि जो एम्ब्रियो सैक में डिफरेंट सेल्स थे एट द चैलेंजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे जो एक सेल के साइड में थे उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट का क्या फंक्शन होता है कि वो ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि जो ट्यूब होता है पोलन ट्यूब उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिससे मेल न्यूक्लियाई ओव्यूल तक पहुंच जाता है, ओके। और जो चैलेंजल एंड पे एंटीपोडल सेल थे वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद से डीजेनरेट हो जाते हैं। सिंपली आप देखते हैं जब फ्लावरिंग होते हैं किसी भी प्लांट में तो फ्लावर क्या होता है, जब उसमें फ्रूट्स लग जाते हैं तो फ्लावर कुछ दिन के बाद से डीजेनरेट हो जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, मतलब इस प्रोसेस से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है, ओके। सो दिस इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। ये है डबल फर्टिलाइजेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल न्यूक्लियाई टू टाइम्स, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन।